आज हम आपको कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स बताने जा रहे हैं जो आप डिटर्मिनेंट की कोई भी सवाल जो ABCD या XYZ में दी रहती हैं और हमें उनकी वैल्यू निकालना पड़ता है। तो देखिए हम लोग कैसे आज आसानी से निकालते हैं। देखिए ये UPPCS GIC का लेक्चरर का क्वेश्चन है, 2021 में आया था। ये भी देखिए 2021 में ऐसे भी और भी क्वेश्चन हैं। वो आप हेलो, द डिटर्मिनेंट एक्स प्लस वाई जेड वन, वाई प्लस जेड एक्स वन, जेड प्लस एक्स वाई वन, इस टाइप इज ऑप्शन दिया है। ये हमारा चार ऑप्शन है और ये आई है हमारी सवाल UPPCS GIC लेक्चर 2021 में। चलिए हम सॉल्व करते हैं इसको, देखते हैं कैसे। चलिए हमें करना क्या है, सबसे पहले पुट करना है हमें। क्या एक्स बराबर वन पुट कर देंगे, वाई बराबर टू पुट कर देंगे और जेड इक्वल टू थ्री पुट कर देंगे। इसमें देखिए सॉल्व कर लेते हैं, देखिए कितना आता है। चलिए रखते हैं इसमें, चलिए ये चाहे डायरेक्ट कर दें, देखिए क्या हो जाएगा। ये एक्स इक्वल टू वन, वन टू कितना हो गया थ्री, फिर यहाँ ये कितना है थ्री, ये कितना है वन रखना है इसी में, और ये क्या कितना है टू प्लस थ्री फाइव, और ये कितना वन वन, और जेड प्लस एक्स, जेड को करना है थ्री, एक्स को करना है वन और वाई को करना है टू। ये थ्री वन कितना हो जाएगा, ये फोर, सॉरी थ्री वन कितना फोर हो जाएगा, और वाई को करना है टू और जेड ये वन ऑलरेडी है ही। चलिए इसको निकाल लेते हैं, इसकी वैल्यू ये थ्री हो जाएगा, जल्दी करेंगे तो वन, ये टू है हमारा, ठीक है ध्यान रहे। थ्री वन माइनस टू माइनस थ्री कितना हो जाएगा, ये नहीं हटाएंगे, फाइव माइनस फोर हो जाएगा, प्लस वन हो जाएगा, ठीक। फाइव टू जेड टेन माइनस फोर, सॉल्व कर लेंगे इसको जल्दी। माइनस थ्री और माइनस कितना, ये थ्री और प्लस सिक्स, ये कितना हो जाएगा जीरो। चलिए हम ऑप्शन में देखते हैं कि हमारा जीरो कौन सा आ रहा है। चलिए देखते हैं जीरो हमारा ऑप्शन इसमें रखेंगे, देखिए जीरो होगा कि नहीं। सब तीनों जोड़ेंगे वन टू थ्री तो कभी नहीं जीरो होगा, वन टू थ्री मल्टीप्लाई करेंगे तब भी कभी नहीं जीरो होगा, नहीं होगा वन है ये है डी, तो इसलिए हम क्या करेंगे हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए ठीक दोस्तों, जो है दूसरी सवाल देखते हैं। चलिए दूसरी देखते हैं इसी तरीके से। द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज वन 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 एक्स वाई जेड एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब इज, यहाँ भी देखिए चार ऑप्शन दिया है UPPCS GIC लेक्चर 2021 में, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए यहाँ भी हमारा वही सिंपल सा, एक्स इज इक्वल टू वन रखेंगे, वाई इक्वल टू टू रखेंगे और जेड इज इक्वल टू थ्री रखेंगे। चलिए देखते हैं इसको भी आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। वन 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 ये कितना है वन टू थ्री, और यहाँ भी वन का क्यूब वन, टू का क्यूब कितना हो जाएगा एट, थ्री का क्यूब हमारा 27। चलिए इसको भी आसानी से जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। वन हो जाएगा तो ये 54 माइनस 24 माइनस वन, चलिए इसको वन माइनस वन हो जाएगा 27, माइनस कितना हो जाएगा माइनस थ्री प्लस वन, ये सॉल्व कर लेंगे एट वन जाए एट माइनस टू, चलिए 54 में ये हमारा 24 निकल जाएगा, फोर फोर जीरो हो जाएगा, फाइव में टू जाएगा थ्री आएगा, माइनस ये कितना हो जाएगा 24, ठीक 27 माइनस थ्री हो जाएगा 24 और प्लस एट टू सिक्स हो जाएगा, ये कितना आएगा देखिए। चलिए इसको देख लेते हैं, ये कितना है 36 माइनस 24, ये आया हमारा सिक्स में फोर जाएगा हमारा कितना आएगा, ठीक है हमारा आएगा टू थ्री कितना हो जाएगा हमारा वन, ठीक है 12 आया। चलिए देखते हैं ऑप्शन में 12 रखते हैं किस में आता है, चलिए रखते हैं देखते हैं ऑप्शन में। चलिए वन टू थ्री रखते हैं, वन पहले में रखते हैं, वन माइनस टू, टू माइनस थ्री
थ्री माइनस वन, वन प्लस टू प्लस थ्री, चलिए माइनस वन, ये कितना आएगा माइनस वन, ये कितना आएगा टू, ये कितना आएगा थ्री टू फाइव सिक्स, ये प्लस हो जाएगा ट्वेल्व, पहला ही हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं ऐसे इसी तरीके से अगली सवाल। चलिए देखते हैं, लेट डेल्टा इज इक्वल टू वन साइन थीटा वन माइनस साइन थीटा वन, साइन थीटा माइनस वन माइनस साइन थीटा वन, देन डेल्टा लाइज इन द इंटरवल, अब की बार इंटरवल में दे दिया है ये थ्री फोर टू फोर वन फोर, तो देखिए देन डेल्टा लाइज इन द इंटरवल, हमारा इंटरवल में पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, देखिए एक तो इसकी मिनिमम वैल्यू रख देंगे, देखिए क्योंकि ये लाई करेगा इसकी मिनिमम क्या होगा हमारा, एक बार जीरो रख देंगे एक बार वन रख देंगे, चलिए रखते हैं एक बार थीटा, पुट थीटा इज इक्वल टू जीरो डिग्री, चलिए पुट करते हैं देखते हैं कितना आता है, वन जीरो वन, ये जीरो वन जीरो माइनस वन जीरो वन, सॉल्व कर लेते हैं इसको, चलिए सॉल्व कर वन, ये कितना हो जाएगा वन माइनस जीरो प्लस वन, ये ख़त्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस वन माइनस जीरो, ये हो जाएगा वन, चलिए देखते हैं फिर ये कितना हो जाएगा वन, वन माइनस जीरो प्लस वन, जीरो प्लस वन, वन प्लस वन, ये टू आ गया, मिनिमम वैल्यू हमारी कितना आ गई, मिनिमम वैल्यू इज कितना आ गई हमारी टू, एंड चलिए देखते हैं अगला, थीटा इक्वल रखते हैं इसी में 90 डिग्री, क्योंकि मैक्सिमम निकालना है, क्योंकि या तो वैसे ही टिक लगा सकते हैं टू कॉमा फोर, लेकिन ये अभी ननाब्दी दिया है इसलिए जो है इनमें से हम ये बी को नहीं लगाएंगे, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री रखेंगे, 90 रखेंगे कितना जाएगा वन 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 माइनस वन 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 माइनस वन माइनस वन वन, क्योंकि थीटा 90 डिग्री रखेंगे तो साइन थीटा कितना जाएगा वन, ठीक चलिए रखते हैं देखते हैं, वन वन माइनस ये हो जाएगा प्लस वन माइनस वन, इसको माइनस वन प्लस वन, ठीक प्लस वन रखेंगे कितना हो जाएगा वन प्लस वन, ये हो जाएगा टू टू, ये हो जाएगा जीरो, ये हो जाएगा प्लस टू, कितना आएगा फोर, ये हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। अब देखते हैं अगली सवाल, अगली सवाल देखते हैं चौथी है हमारी, डिटर्मिनेंट दिया है माइनस ए स्क्वायर ए बी ए सी ए बी माइनस बी स्क्वायर बी सी ए सी बी सी माइनस सी स्क्वायर, पूछ रहा है द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज कितना होगा, देखिए ये भी UPTGT 2016 में आई है, देखिए इसको भी आसानी से आप लोग कैसे कर सकते हैं, चलिए देखते हैं, देखिए ए बी सी दिया है इसमें, ठीक है ए बी सी में ए इज इक्वल टू क्या रख देंगे वन, बी इज इक्वल टू टू, सी इज इक्वल टू थ्री, आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ये देखिए एक कितना हो जाएगा माइनस वन, ए बी ये कितना हो जाएगा वन टू टू हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा थ्री वन जा थ्री हो जाएगा, अब देखिए ये टू वन जा टू, ये देखिए माइनस बी स्क्वायर मीन्स फोर, ये बी सी सिक्स, ए सी थ्री, बी सी सिक्स माइनस सी स्क्वायर थ्री थ्री जा नाइन माइनस नाइन हो जाएगा, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं कितना हो जाएगा माइनस वन और नाइन फोर जा थर्टी सिक्स माइनस सिक्स सिक्स जा थर्टी सिक्स हो जाएगा हमारा, अब माइनस टू होगा ये ख़त्म, नाइन टू जा माइनस एट्टीन माइनस सिक्स थ्री जा एट्टीन प्लस थ्री, ये कितना हो जाएगा सिक्स टू जा ट्वेल्व माइनस ये ट्वेल्व हो जाएगा, ये थर्टी सिक्स ये ज़ीरो, ये भी हमारा कितना हो जाएगा प्लस सेवेंटी टू प्लस प्लस सेवेंटी टू, ये हो जाएगा हमारा सेवेंटी टू इंजी सेवेंटी टू,
कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 477 144। चलिए अब देखते हैं 144 आ गया। चलिए अब देखते हैं ये कितना आ गया हमारा, 144 आ गया। तो ठीक अब चलते हैं, ये जीरो तो होगा नहीं, ये कितना हो जाएगा 9, ये 4 कितना हो जाएगा 13, और 114 ये भी नहीं होगा माइनस में, ये देखिए 941 ये कितना होगा, 9 4 जा 36 इंटू 4, 36 इंटू 4 4 6 जा 4 4 3 जा 12 ये कितना हो जाएगा 144। ठीक है, ये हमारा इसका मतलब ये हमारा करेक्ट। ठीक है, हमें आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए बीच बीच में हम आपको जो है जल्द ही कुछ नए ट्रिक्स के साथ प्रोवाइड करते रहेंगे। ठीक, आप लोग देखने के लिए धन्यवाद।